मैम मैं अंदर आ जाऊं? मैम मेरी साइकिल खराब होगी। आपके तो रोज के ये बहाने। नहीं मैम मैं झूठ नहीं कह रहा, सच बोल रहा हूँ। अच्छा अब जाके बैठ जाओ, आइंदा लेट मत आना। थैंक यू मैम। अच्छा बच्चों मैं जा रही हूँ, कल स्कूल का काम करके आना। ओके मैम। ओके मैम। अली क्या सचमुच तुम्हारी बाइक खराब हो गई थी? नहीं नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था। अली आपको पता है ना झूठ बोलना बुरी बात है। बस करो, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आपको पता है अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अच्छा यार अब बस करो। आपको समझ क्यों नहीं आती? अच्छा मैं अब लंच करने जा रहा हूँ। मैं अली को कैसे समझाऊँ, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फातिमा सच कह रही थी, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से अल्लाह नाराज हो जाते हैं, और मैं ये कैसे पसंद कर सकता हूँ कि अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा सच बोलूंगा। मैं टीचर को जाके सच बता देता हूँ कि मैंने झूठ बोला। हाँ यही ठीक है, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी बाइक खराब नहीं हुई थी। मैं सो के लेट उठा था इसलिए स्कूल लेट आया। शाबाश अली आपने सच बोला, जाओ और आइंदा हमेशा सच बोलना। मैम आपने मुझे झूठ बोलने में डांटा क्यों नहीं? अब आपको पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था, तो आपको मुझे डांटना चाहिए था। अगर मैं आपके सच बताने में डांटती तो आप फिर झूठ बोलते। मैं नहीं चाहती आप झूठ बोलो, और हमें सच बोलने पर बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए। जो बच्चे सच बोलते हैं हमें उन्हें शाबाश देनी चाहिए। गलती तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो गलती करके माफी मांगे। शाबाश बेटा बाप जाए। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे समझ लग गई, आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा।